आज हमारे पास कमल नाथ जी हैं, जो कि संगीत की दुनिया से लगभग 8 वर्ष की उम्र, 8 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं। सुंदर मंडली, सुंदर कांड की जो मंडलियाँ होती थी उनके उनमें इनको जाना बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने मुझे बताया कि तभी से उनका जो संबंध संगीत से शुरुआत हुई। तो इन्होंने फाउंडेशन में रंगमंच के जरिए अपनी जर्नी स्टार्ट की 2016 में। उसके बाद 2018 में इन्होंने एज एन इंटर थिएटर इंटर्न्स में काम किया था। फिर 2020 में ये थिएटर को सोशल चेंज से हमारे आगे के सफर के लिए जुड़े। आज हम लखन और चितरंजन जी के जरिए ये जानेंगे कि इंसान का संगीत से क्या जुड़ाव होता है, जो इंसान के भाव होते हैं उनका इमोशन से क्या रिश्ता होता है, ये सब लखन हमारे सामने थोड़ा उठाने की कोशिश। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं 8 साल की उम्र से ही थोड़ा सा संगीत से जुड़ा हुआ था, उस समय से फैक्ट्री भी बनी हुई संगीत की वजह से। तो तभी से सब बेसिकली कि मुख्य रूप से क्या चीज़ को सीखा जाए, किस चीज़ को बजाया जाए। तो पहले ढोल लगता है कि ढोलक बजाता था, धीरे धीरे आया फिर धीरे धीरे थिएटर से जुड़ा तो वो नई चीज़ों की जानकारी मिले और इंस्ट्रूमेंट्स जो है आने तबला के अलावा ढोलक के अलावा और भी नई नई चीज़ें जानी होती। बांसुरी का मुझे जो कनेक्शन है जो भी आज थिएटर से मिला है उसी भी मैंने उसको देखा है। तो लगभग अभी 3 सालों से मैं जयपुर में हमारे गुरु जी बाबूलाल जी उन्हीं से मैं अभी बांसुरी की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। उन्हीं से मैं अभी उनसे ग्रहण कर रहा हूँ कि जो भी मिल सके मुझे इसे ले रहा हूँ बांसुरी के अंदर। तो थिएटर से जिस तरह से जुड़ा हुआ मेरा, तो मैं जिस तरह का म्यूजिक आगे डेवलप करने की कोशिश करा उसमें इंसान को मुख्य रूप से लेकर काम करने की कोशिश करा। जैसे कि इंसान का संगीत से किस तरह का जुड़ाव हो रहा है, तो उसके अंदर में आप सभी को मेरा ये साथी अध्ययन से बात करूँ तो इसी से अपनी बात रखने की कोशिश करूँ। तो बातचीत शुरू करने से पहले प्रश्न है तो उस पर आप ये चाहूँगा कि सभी थोड़े थोड़े जो फीलिंग है अपनी तुरंत गए उसको शुरू कर दूँ। निकासी वगैरह सब देखते हैं तो वहाँ पे जानते हैं कि किस तरह का एक म्यूजिक का भी सुनाई देता है। तो लोग वहाँ खुद डांस करते हैं अपनी इच्छा से, अलग अलग प्रकार से सब डांस करते हैं। डांस करते करते फिर किसी के अंदर सवाल आता है कि मन में विचार चलता है कि यार ये वाला गाना बजाना चाहिए, वो बोलता है भांगड़ा बजाओ। तो वो जाता है स्पीकर वाले के पास में और कहता है कि भाई भांगड़ा चाहिए मुझे। फिर कोई गुरु नाचते भांगड़े पे जम थी, फिर उसके बाद फिर कोई आता है कि कहता है कि यार दूसरा गाना लगाओ। तो ये जो कनेक्शन है ना कि भाई ये वाला गाना लगाओ फिर ये वाला गाना लगाओ, तो इस कनेक्शन में उस बंदे के अंदर ऐसा क्या चला जिससे उसे ये लगा कि ये वाला गाना बजना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करें कि ऐसी क्या चीज चली उस आदमी के अंदर, उसे लगा कि भाई ये वाला गाना बजाने से मेरा डांस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा क्या चला होगा उसको, मैं थोड़ा थोड़ा जानना चाहूँगा। जब कभी हम संगीत से, नृत्य से, गीत से जब जुड़ते हैं तो धीरे धीरे भाव वहाँ पर बनने लगता है, पूरे माहौल में वाइब्रेशन वहाँ पर बनने लगता है। तो ये जो मानवीय प्रवृत्तियाँ है, जो के जो स्पंदन है, तो उसको मोटिवेट करते हैं कि यस मैं उस तरह के की लहरों के साथ ज़्यादा सहज हूँ। उसके पूर्व अनुभव जिसको कहते हैं कि यस वो लहरें मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं उस पर फ्लोट करना चाहता हूँ। तो हर एक इंसान का जो एक रिदम है, एक जो पूर्व अनुभव है,
उसको फिर से वो जीना चाहता है। तो इस तरह से आदमी संगीत के साथ जुड़ता है, उस वाइब्रेशन के साथ जुड़ता है, अपनी लहरों पर शोर करना चाहता है। इस तरह से मैं सोचता हूँ। तो इसका मतलब संगीत का जुड़ाव तो है इंसान आज के समय में और बहुत ही मजबूत तरीके से, अगर इस तरह के माहौल में बात करें तो। अभी जो मैं जिस तरह के संगीत की मैं बात करना चाह रहा हूँ उस प्रकार है कि संगीत इंसान का साथी कैसे बने, उसका सुख का साथी कैसे बने, दुख का साथी कैसे बने, उसको मोटिवेशन के लिए अगर इस तरह की स्थिति में अगर देखा जाए। लेकिन इस तरह की स्थिति में कोई किसी को ये नहीं कहता कि भैया तू दुखी है तो ये वाला म्यूजिक सुन, भाई तुझे खुश होना है तो ये वाला म्यूजिक सुन, इस तरह की तो फीलिंग की हम बात नहीं करते। लेकिन वहां पर गानों की तो हम बात करते, तो वो जो कनेक्शन है इंसान का सुख दुख के साथ, मोटिवेशन के साथ, उस तरह के म्यूजिक को लेकर अभी मैं एक राग आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि उस राग को आप सुनिए और सुनकर जो आपके अंदर जो फीलिंग जो उत्पन्न हुए ना, तो मैं चाहूँगा कि वो आप शेयर करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से मैं आगे काम करना चाहता हूँ। तो शुरू कर दूँगा
लाल लंदन में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास किया, तो मैं चंपा में चाहिए कि जैसे कि हमने पहले भी शुरुआत में मैंने रखा था कि हम उसको सुनकर जो भी राग आपने सुनकर आप द्रौपदी में थोड़ी सी फीलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका फील्ड है, तभी मैं नेक्स्ट राग को आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो आप नहीं चाहूँगा कि इस राग को मैं जैसे आपको लगभग 15-20 मिनट मैंने आइडिया लेकर उसको बजाया। क्या राग यमन? राग यमन किसी भी समय गाई जा सकती है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका समय का शाम का प्रथम भर है जिसे हम कहते हैं, उस समय की राग है, लेकिन हाँ 4 बजे से लग जाता है। तो बेसिकली ये वाला थॉट मेरे अंदर भी था कि मैं समय अनुसार वाला, लेकिन मैं इस थॉट को इस तरह से समझ रहा था मैं कि लोग अगर मैं किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों की क्या फीलिंग है, वही उसके लिए समय, वही उसी का समय। रात का समय अलग है, वो लिखा हुआ है, उस रात का एक पैटर्न है, उसका समय निर्धारित होता है निश्चित। लेकिन मैं इसमें मेरा ये मानना है कि वो तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन लोग के जो फीलिंग होगी उसके लिए उसी का वो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रात का समय निश्चित तो किसी आधार पर किया, हाँ हाँ वो भी इसका टीचर को बिल्कुल अगर समय के अनुसार नहीं चला जाए, फिर भी अगर आप रात को गाना गा रहे हैं 7 बजे 9 बजे कैसे चलेगा? तो समय की जो पाबंदी है रात के साथ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि यहाँ संगीतकारों का सम्मेलन नहीं, आपने लयबद्धता में अपने सरगम में कितनी शुद्धता बरती है उस बारे में उनको कुछ नहीं कह सकते जब तक कि वो उसका जानकार सही तरह से नहीं। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि हम ओपन प्लेटफॉर्म में आपके अगर सवाल करते हैं, इस राग को सुनने के बाद वट होगी क्या आपने तो उसमें थोड़ा सा श्रोता को भी समय चाहिए। कारण यह है कि श्रोता एकदम से तैयार तो नहीं, तो जो परिवेश है आपके जीवन का पता नहीं होगा, हर आदमी उम्र सोचेगा 4 से 5 है, 5:30 तक पहुंच जाओ यार तो उस समय कर लूंगा, तो वो दिमाग से मुक्त नहीं है कि वो पूरी तरह अटैच हो सके इन सब से, उसको समय भी चाहिए, ये भी पहली जरूरत है, तभी वो आसानी से उसमें रस ले सके। अगर वो अंदर से मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है अपने आप, वो कहीं उलझा हुआ है, उसकी व्यस्तता उस पर भारी है, तो नेचुरली वो कोई फिजिकल उपस्थिति दर्ज करा दे, लेकिन जो मानसिक जुड़ाव है जिसका प्रभाव उसके पूरे शरीर सोच पर पड़ना लाजिम है, उसमें हम कमी देखें तो वो आउटपुट जो आ रहा है प्रभाव बह गया वो हमें कम दिख रहा है, क्योंकि वो उसकी अपनी व्यस्तता है बहुत है, उसकी वजह है। तो थोड़ा सा ये सब है, ये मत सोचो एकदम से आउटपुट सामने आ जाए, आदमी मतमस्त हो जाएगा राग का जो तो टाइम है और अपने भागम भाग करके आया हूँ कहीं से, तो मैं
जो आपने सवाल रखा उस पर अशोक सर का जो फीडबैक था उसको लेकर जब मैं सोच रहा था तो ख्याल आया भी इंस्टेंट चित्रंजन, ख्याल ये है कि हम अब किसी भी कलात्मक रचना को बौद्धिक खिड़की में ले जाने की बेचैन एक नंबर। मुझे लगता है कि अनुभूतियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हम अनुभूत करते हैं। पूरी दुनिया की दुनिया में जो संकट दिख रहा है वो इसलिए ही दिख रहा है कि हम इन्हीं खास चीजों के विमर्श में लिप्त हैं, पर अनुभूतियां जो है धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अनुभूतियों का स्थान मिले, इससे भी बातचीत होनी चाहिए, ये राग कौन सा है, कब गाया जाता है, या आपको और क्या सजेशन चाहिए, इस तरह से आप और इसमें अपनी वृद्धि करेंगे, निश्चय ही वो एक बात का हिस्सा है। पर मैं कहना चाहूँगा कि अनुभूतियों को भी स्थान मिलना चाहिए, इसलिए गुजारिश। उसी कड़ी में एक और राग है, राग देश, उसको भी बड़े में प्रजेंट करना हम लोग
Thank you.